सोनू, क्यों ना हम लोग भी समाज सेवा करना शुरू करें, हमें भी इनाम मिलेगा, टीवी में हमारा इंटरव्यू भी आएगा। मुझे मंजूर है। चाय वाले भैया, क्या तुम भी हमारे साथ समाज सेवा करना चाहोगे? अरे भाया, मैं समाज सेवा करने जाऊंगा तो मेरी दुकान कौन चलाएगा हैं? अरे तुम दुकान में बैठे बैठे ही समाज सेवा कर सकते हो। हैं? वो कैसे? हमें फ्री में समोसे खिलाते रहो, ये भी तो समाज की सेवा है। अब समझा क्यों ये समाज सेवा का ड्रामा कर रहे हो, मुझे मुफ्त में समोसे खिलाने के लिए फंसा रहे हो। अभी बताता। सोचो भैया सोचो, तुम हम सबको फ्री में समोसे खिला रहे हो, हम समोसे खा रहे हैं। उधर उधर देखो, टीवी में तुम्हारा इंटरव्यू आ रहा है, तुम्हें इनाम मिल रहा है, लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे सारे समोसे खा लिए। अरे मैं अभी तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। भैया सोचो सोचो। अरे रुक जा, ये ले, और ये ले, सोच रहा हूँ ये लो, और एक और ला। मारो और मारो, छोड़ना मत उसे, जब देखो तुम्हें परेशान करता है। पतलू, तुम मेरे हाथ से मोटू को समोसे खिलवा रहे हो। ये भी लो। चाय वाले समाज सेवा करे या ना करे, हम तो जरूर करेंगे। वो देखो, छोटा बच्चा सड़क पार करना चाह रहा है, चलो उसकी मदद करते हैं। आओ बेटे, मैं तुम्हें सड़क पार करवा देता हूँ। गुड बॉय, मैं तुम्हें सड़क पार करवाऊंगा। मैं सड़क पार करवाऊंगा, पहले मैंने उसे उठाया था। जान बची तो लाखों पाए, अरे उस औरत ने तो मार मार के हमारा कीमा ही बना दिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भलाई का जमाना है, वो देखो हम उनकी मदद करेंगे और उन्हें कोई एतराज भी नहीं होगा। दोस्तों हम समाज सेवी हैं, तुम थक गए होंगे, लाओ हम खींच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हाथ से पसीना पोंछ लूं, वरना रस्सी फिसल जाएगी। हमारा फ्रिज तोड़ दिया, फ्रिज के पैसे दो, पूरे पैसे, 20,000 का फ्रिज था। अरे लेकिन हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमने नहीं बुलाया था तुम्हें मदद करने, तुम्हें ही समाज सेवा का शौक था। अब फ्रिज के पैसे दो, ये किसी काम का नहीं बचा। लेकिन हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। अरे नहीं। ओए घसीटे मेरे यार, जल्दी जल्दी साफ करो, अभी तो झाड़ू पोछा भी लगाना है। होली बाबा, ये झाड़ू पोछा मेरे पास का नहीं है, कमर दर्द होने लगता है। बड़े भैया,
हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी हमारी कदर नहीं है। हम जितनी सेवा करते हैं उतनी ही मार खा रहे हैं। हाय मोटू पतलू, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर में सेवा करो, फिर बाहर करना। ठीक है घसीटाराम, हम अपने घर जाते हैं। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है, यहीं से समाज सेवा शुरू करो। देखो फर्श कितना गंदा है, तुम दोनों यहाँ झाड़ू फटका करो। ये केमिकल पानी में मिला के पोछा मारता हूँ, फर्श चमक जाएगा। ओए पतलू, मेरा केमिकल का जार यहाँ रखा था, किधर गया? ओह वो तो मोटू पानी में मिला के पोछा लगा रहा है। ओए मोटू ये क्या कर दिया तुमने? बड़े भैया देखो बड़े भैया, एकदम चमका दिया ना, धूल मिट्टी का नामो निशान मिटा दिया। ओए अब जल्दी से भागो वरना हमारा नामो निशान मिटने वाला है। ओए ओ भागो। तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? क्योंकि हमारी समाज सेवा किसी को भी पसंद नहीं आती, फिर हमें इनाम कैसे मिलेगा? उड़ी बाबा, हम तुमको एक अच्छा आइडिया देते हैं। सड़क का धूल कचरा साफ करो, ये भी तो समाज सेवा ही है। फूरपुरी नगर साफ होगा तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अच्छा आइडिया है, चलो मोटू। ये बदतमीज जो इतनी धूल उड़ा रहा है। मारो इन्हें, इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। छोड़ना मत, मारो मारो मारो, छोड़ना मत, मारो मारो। मोटू कुछ करो, हमारी समाज सेवा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। चलो शहर के सब डस्टबिन को साफ करते हैं, उनके आसपास का कचरा उठा के डस्टबिन के अंदर डालते हैं। चलो। हश हुर। अरे भागो यहाँ से, भागो। हश हुर क्या कर रहे हो, कचरा मत खाओ, भागो 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 भागो। मोटू पतलू ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। जीना नहीं, खाना मुश्किल कर दिया है मेरा। मेरे मुंह से हड्डी छीन ली और कचरे के डिब्बे में डाल दी। मेरे मुंह से मछली छीन ली, हमें कुछ करना होगा। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। चलो उन्हें बता देते हैं कि हमारे मुंह से हड्डी छीनने का अंजाम क्या होता है। बस इस डस्टबिन को साफ करके आराम करते हैं। अरे अब तो लोगों को हमारी तारीफ करनी ही होगी। तू जान प्यारी है तो भाग लो। अरे लेकिन ये लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? शायद इन्हें हमारी समाज सेवा पसंद नहीं आ रही। अरे आज से समाज
समाज सेवा बंद। इंसान तो क्या, जानवरों को भी हमारी समाज सेवा पसंद नहीं आ रही।